हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर माय यूनिवर्सिटी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइस टिकट के बारे में, जो इंडिया से रशिया आ रहे हैं या फिर रशिया से इंडिया जा रहे हैं, तो उनके प्राइसेस कितने चल रहे हैं टिकट्स की, फ़्लाइट्स की। बिकॉज कई न्यूज़ चैनल्स में ये दिखाया जा रहा है कि अभी के टाइम पे जो इंडिया से यहाँ आने की कॉस्टिंग है, दैट इज़ कॉस्टिंग मोर देन 3 लाख 4 लाख। यहाँ से इंडिया जाने की कॉस्टिंग है वो 17-18 लाख रुपीज़ में आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं और हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए ये सारे न्यूज़ आते हैं, पेरेंट्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा ये सोचने वाली बात है कि जो किसी ने अगर न्यूज़ बताया है किसी जगह पे, तो वो चीज़ कितनी सच्चाई है और कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए अगर कोई भी हमें न्यूज़ मिलती है। तो अभी हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि इंडिया में हैं और वो यहाँ पर रशिया आना चाहते हैं, तो उनकी प्राइस की टिकट क्या होगी। तो आज इस वीडियो पे हम सिर्फ टिकट प्राइस की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक अलग टॉपिक लेंगे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि जो रूबल और रशियन रूबल्स और इंडियन रुपीज़ का जो रेट का डिफरेंस आ रहा है वो कैसे आगे चल के मैनेज होगा, कैसे आगे चल के कवर हो सकता है, तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले। बट आज के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ रिगार्डिंग द फ्लाइट टिकट प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, आई विल रिकॉर्ड वन वीडियो थ्रू माय फोन और हम लोग लाइव देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस की टिकट आ रही है। सो आई विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ओवर हियर सो दैट आई कैन शो यू। तो वीडियो के साथ साथ हम बात भी करते जाएंगे और ये सारी चीज़ें चलती भी जाएगी। सो अगर मैं एरोफ्लोट की वेबसाइट में जाता हूँ, एरोफ्लोट का मेरे पास ऐप है और उस एप्लीकेशन के अंदर मैं गया और मैंने टिकट अपनी सेलेक्ट की वन वे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज किया दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को। अब ये जो रूबल्स लिखे हैं उसको मैं चेंज कर लेता हूँ INR में एंड इट इज़ INR, सो इट इज़ डन। सो INR अगर आ गया, अब रूबल्स हमारे पास हट गए हैं, INR आ गया, तो हमारे जितने प्राइसेस दिखाएंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ रुपीस में दिखाएंगे। सो आज ये 29 सितंबर है तो 30 सितंबर का दिखा रहा है कल का डेट। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या प्राइसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक 7th सेलेक्ट किया नेक्स्ट वीक के डेट पे, आज फ्राइडे है, आज 30 तारीख है, सो नेक्स्ट 7 तारीख को, नेक्स्ट वीक के 7 तारीख को क्या प्राइसेस रहेगी वो हम चेक लेते हैं। सेलेक्शन हमने कंफर्म किया फ्लाइट्स। सो अभी आप देख पा रहे हैं, सो वी हैव डेट्स फॉर 5th of October, 7th of October, 10th of October। तीनों में जो प्राइस की टिकट है दैट इज़ कॉस्टिंग 30,389 रुपीज़ ओनली। सो जो इंडिया से यहाँ रशिया आने का जो फ्लाइट का टिकट है वो सिर्फ 30,000 के आसपास ही है। बिजनेस क्लास इज कॉस्टिंग 1,31,959 रुपीज़। ये हो गई एरोफ्लोट एयरलाइंस की बात जो कि इंडिया से यहाँ पर आ रही है। तो एरोफ्लोट एयरलाइंस यहाँ की हमारे इंडिया में जैसे पहले एयर इंडिया था, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की जो एयरलाइंस थी, वैसी सेम अभी एरोफ्लोट यहाँ पर रशियन एयरलाइंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमें जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज वी आर गोइंग टू मॉस्को टू दिल्ली और वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया 7 को या फिर 14 को, कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके प्राइसेस हम देखते हैं इट इज़ कॉस्टिंग मोर देन 17-18 लाख या फिर नहीं पड़ रहा है। सो जो 11 तारीख का जो डेट है वो आ रहा है 1,90,000 का, जो 13th का डेट है वो आ रहा है 139 का, जो 16th का डेट आ रहा है 113 का। अभी भी उतनी कॉस्टिंग तो बढ़ी नहीं। और भी हमारे पास एयरलाइंस है, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं एयर अरेबिया पे देखने के लिए। अब हम आते हैं एयर अरेबिया पे, एयर अरेबिया पे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है और बहुत सारे लोग एयर इंडिया से भी ट्रैवल करते हैं। लेट्स सी, क्योंकि रशिया से इंडिया जाने की फ़्लाइट बहुत कम है सो हमें उसके हिसाब से सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दमा देवा एयरपोर्ट सर्च किया दिल्ली और हम एक रेंडमली कोई भी सेलेक्ट करते हैं 21th की फ़्लाइट इंडियन रुपीस में, लेट्स सी वहाँ फ़्लाइट अवेलेबल है कि नहीं है। सो यहाँ पर फ़्लाइट अवेलेबल है, कुछ फ़्लाइट्स फुल भी दिखा रहा है, कुछ फ़्लाइट्स अवेलेबल भी हैं। 20 तारीख को जो दिखा रहा है वो प्राइस दिखा रहा है 59,181 वन वे की टिकट है। उसके अलावा 21 की भी सेम है, 22 की भी सेम है, 22 की 56 पड़ रही है।
सो इस तरीके से लाइक रेट्स अप डाउन है सारी चीज़ें। तो अगर हम पास के डेट में देखेंगे तो इतने की फ्लाइट की टिकट पड़ी रही है। सो कोई भी न्यूज़, कोई भी अफवाह पे आप ना जाएं। अगर आपके पास गूगल है, आपके पास इंटरनेट दिया गया है, और इंडिया में इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, आप जो भी इंटरनेट एक्सेस करते होंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट ने 2014 के बाद तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए बहुत सारे लाइक प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें एक हमारा मोबाइल इंटरनेट का भी बहुत अच्छा लाइक योगदान रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से हमारे इंटरनेट काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो आप उस इंटरनेट का सदुपयोग करिए और आप इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट ही देख सकते हैं। जिस इंटरनेट पे आपने न्यूज़ देखा हुआ है, जिस इंटरनेट पे आपने सारी चीज़ें न्यूज़ सुनी हुई है, आप उसी इंटरनेट से अपने लाइक फ्लाइट की टिकट के प्राइजेस भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ चैनल बोलती है 17-18 लाख, लेट्स चेक थ्रू गूगल, गूगल बाबा इज़ टेलिंग एवरीथिंग। सो आपके लिए भी ईजी होगा और लाइक आपको मेंटल प्रेशर भी नहीं होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और अच्छे मूड पे रहेंगे। सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल फैक्ट बिहाइंड दिस। और अगर आपको कुछ अलग से किसी वीडियो पे लाइक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो बिलो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिलीज। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।